दर्शकों नमस्कार, मैं निषाद लांजा और आकाश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन्नाव रेप कांड के आरोपी को भी मिले सजा। बजरंग दल मुंबई समन्वयक श्री देवेंद्र मिश्रा ने तेलंगाना पुलिस का अभिनंदन करते हुए कहा कि हैदराबाद रेप कांड में जिस तरह एनकाउंटर कर आरोपियों को सजा दी गई, उसी तरह उन्नाव रेप कांड के आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए। श्री देवेंद्र मिश्रा ने अपने बजरंग दल की भूमिका स्पष्ट करते हुए बताया कि महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है। आखिर क्या कहा देवेंद्र मिश्रा ने, आइए देखते हैं आकाश न्यूज के लिए देवेंद्र दमाय की खास खबर। मैं देवेश शिवनंदन मिश्रा, बजरंग दल मुंबई क्षेत्र संयोजक। आज तक जो ये घटना बहन प्रियंका रेड्डी के साथ जो घटी, ये बहुत ही दुख की घटना थी। और ऐसी घटना पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में नहीं होना चाहिए। कि हमारी माता बहनों की रक्षा और सुरक्षा की जवाबदारी सरकार के साथ साथ में हमारी भी है। लेकिन हम हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लेकर जो चारों बलात्कारियों को जो उसी जगह पर ले जाकर जो उनका एनकाउंटर किए, हम चाहते हैं कि ऐसा जो अपराध जो लोग करते हैं ऐसे आरोपियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। और साथ में जो उन्नाव में हुआ वो भी आरोपियों को भी ऐसे ही, वहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। और हमारा ऐसे कार्यों में पुलिस के का साथ हमारा सहयोग है और हम पुलिस की इस कार्य की सराहना करते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए बजरंग दल साल में 3 कार्यक्रम चलाता है। बजरंग दल के द्वारा दुर्गा वाहिनी एक बहनों का संगठन है, जिसमें बहनों को आत्मबल आत्मरक्षण का कार्य 7 दिन के ट्रेनिंगों के द्वारा उनको तलवार चलाना, बंदूक चलाना, ये सब कार्य बजरंग दल के माध्यम से आज पूरे भारत में चालू है। दुर्गा वाहिनी करके हमारी बहनों का संगठन है। दुर्गा वाहिनी के बैनर तले बहनों को एकत्रित करना और समाज में क्या गतिविधियाँ चल रही उसकी जानकारी देना, और बहनों को स्वयं की रक्षा करते आना चाहिए, इसलिए उनको तलवार चलाना, बंदूक चलाना, कराटे, ये सब चीज़ हम दुर्गा वाहिनी के द्वारा उनको सिखाया जाते हैं। ऐसा पूरे भारत में हमारा संगठन के द्वारा कार्य चल रहा है। मैं आपको गोंदिया के बारे में बताता हूँ कि अभी हमने कुछ महीने पहले ही हर प्रत्येक रविवार को हमारी बहनों को दंड चलाने का प्रशिक्षण देने का कार्य, सामने ही महिला मंडल का ग्राउंड है वहाँ पर 2 घंटे हमने शुरू किए थे और उसको हम और आगे बढ़ाएंगे और बहनों को जनजागरण कर उसके बारे में सब चीज़ों की जानकारी हम देंगे। तो कानून अपनी जगह पर सही है, कानून को भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब कानून को ये भी कहता है कि आत्मरक्षा के लिए किया हुआ प्रहार ये गलत नहीं है, अगर कोई मुझे मारने या मेरे पर अत्याचार करने कर आ रहा है उसका अगर मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूँ तो उसमें भी कोई गलत काम नहीं है, लेकिन स्वयं होकर लड़ाई लड़ना, स्वयं होकर किसी को प्रताड़ित करना और स्वयं होकर किसी को जाकर मारना ये गलत है, उसके लिए तो कानून अपना काम करेगा। हमारे आकाश न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।